तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देते हैं, तो इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। देखिए बच्चा, आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को मैक्सिमम अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पे विजिट करके समझ आ रही है या नहीं, या कुछ क्लियर हो रहा है। अगर आप कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे या कमेंट्स करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और फिर मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं फर्दर वीडियोस पे वर्क करूंगा और मैं अच्छे से वीडियो बनाने की या अपना 100% पोटेंशियल देने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे। वरना फिर पता नहीं चलता रिस्पॉन्स क्या है स्टूडेंट्स का, तो फिर डीमोटिवेट हो जाता है कोई भी टीचर, तो फिर वो वर्क नहीं कर पाता अच्छे से वीडियोस पे। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल पे आने पे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपके वो कमेंट एक मोटिवेशन मिलेगा उन कमेंट से, जिससे मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा या अपना 100% पोटेंशियल दूंगा, अपना वीडियोस लेक्चर बनाने में कंटिन्यू रखूंगा। तो एक बात ये थी। और दूसरा, आप मैक्सिमम इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पा रहा है कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना। मे बी वो शायद इस चैनल पे विजिट करें, उनको लगे कि हाँ यहाँ से समझ आ रही है, वो फर्दर वीडियोस देखें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें। तो किसी भी वीडियोस में कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप। मैं सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में यार डाल दूंगा या फिर उसी वीडियोस में कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। ठीक है, तो कोई भी वीडियो है एंड तक उसे देखा कीजिए, तभी क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर जिसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे दे सकते हैं हमने इस लेक्चर में, हमने इस वीडियो में देखना है। तो एक चीज, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको एक लेक्चर जरूरी है देखना, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको इस लेक्चर को देखने से पहले एक लेक्चर देखा है जिसमें मैंने लिगेंड्स करवाया था और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स करवाए थे और उन लिगेंड्स के नाम लिखाए थे। ठीक है, क्योंकि यहां नोमेनक्लेचर देते समय हमने उनके नाम लिखने हैं, वही नाम लिखने हैं जो हमने उस टाइम वहां लिखे थे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड्स और लिगेंड्स का लेक्चर जो है उस पे एक बार विजिट कीजिए और उसे देखिए, अच्छे से क्लियर कीजिए। वो क्लियर होगा तो ये लेक्चर आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ रूल्स लिखते हैं जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आराम से दे सकते हैं। पहले आपको लिखना है कुछ पैटर्न आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए और अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल पैटर्न फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, नोट्स बनेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये सारे के सारे नोट्स जो वीडियो लेक्चर पे बन रहे हैं, ये वाले भी और जो आपके पेज इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड हो रहे हैं, ये दोनों जो नोट्स हैं, एक फेयर नोट बनाइए, एक रफ नोट बनाते जाइए, फिर क्लियर होने वाला है सब कुछ। जनरल पैटर्न फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए जनरल पैटर्न क्या है वो हमें यहां पे देखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जनरल पैटर्न फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो जरा देखते हैं क्या पैटर्न है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में हमें लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में एग्जांपल्स लूंगा, एग्जांपल लेने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके सामने लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद लिखूंगा लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है,
लिगेंड्स के बाद मैंने लिखना है सेंट्रल मेटल एटम। बस आप लिखते जाइए, मैं आपको डिटेल में एग्जांपल्स लेके ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। सेंट्रल मेटल एटम के बाद आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उस चीज को, तो फोर्थ आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे डिस्कस करना है। फिफ्थ ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको काउंटर आयंस के बारे में लिखना होता है, तो फिफ्थ पे आप लिखेंगे काउंटर आयंस का नाम। ये था हमारा पैटर्न किसके लिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब हम बी पार्ट लिखते हैं, जनरल पैटर्न फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको लिखना है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या पैटर्न है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, तो वो लेक्चर भी देख लीजिए। ये सारे के सारे पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे फिर आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अच्छा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले हमें लिखना है काउंटर आयन, काउंटर आयन का नाम लिखना है सबसे पहले काउंटर आयंस। उसके बाद हमें लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंडली आपको लिखना है। ये पैटर्न आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा कुछ कुछ पॉइंट्स कुछ रूल्स के बाद, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमें लिखना है लीगेंड्स क्या होता है, लीगेंड्स किसे कहते हैं। लीगेंड्स के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, लिगेंड्स के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है हमको, और उसके बाद हमें फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, ठीक है। तो ये था कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या पैटर्न फॉलो करेंगे हम, और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या क्या पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स मैं लिखता हूं, जिन रूल्स को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं रूल्स यहां पे लिखने वाला हूं उन रूल्स को जरा आप देखिए कि क्या रूल्स मैं लिख रहा हूं, और फिर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट जो मैं लिखता हूं, जरा वो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तो एक बार रूल देख लीजिए और वीडियो को आप पॉज कीजिए, वीडियो की क्लैरिटी को बढ़ाइए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, और फिर हम समझते हैं। देखिए अब हम देखते हैं रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल देखिए, कैटायनिक पार्ट वेदर सिंपल आर लिखा हुआ है, कैटायनिक पार्ट वेदर सिंपल आर कॉम्प्लेक्स रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट, ठीक है। ये रूल सारे के सारे एक बार देखिए। अच्छा, सेकंड, इफ काउंटर आयन इज रिटन फर्स्ट, ठीक है, काउंटर आयन इज रिटन फर्स्ट, किस केस में, काउंटर आयन पहले, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड विद सुफिक्स एट, अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम एट पे खत्म होगा। एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। थर्ड, विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड फॉलोड, विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर द नेम ऑफ, विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड मस्ट बी नेम्ड, लिगेंड मस्ट बी फॉलोड, क्या लिखा हुआ, विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड मस्ट बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड मस्ट बी नेम्ड फर्स्ट, ठीक है, लिगेंड का नाम यहां कुछ गलत लिखा हुआ है, आप जरा मिस्टेक क्लियर कर लीजिए। विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड मस्ट बी नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड का नाम पहले देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। जो मैंने यहां मिस्टेक की है वो आप लिख लेना वहां पे, लिगेंड्स मस्ट बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम देंगे फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम देंगे। मैं एग्जांपल्स लूंगा, बहुत सारी एग्जांपल्स लूंगा, सारी एग्जांपल्स से क्लियर हो जाएगा। ऑल द एनायनिक लिगेंड मस्ट बी एंड विद सुफिक्स ओ, जितने भी एनायनिक लिगेंड, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड, वो खत्म होंगे कहां, ओ पे, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इन वन वर्ड एंड ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर,
जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक वर्ड में हम लिखेंगे और हमेशा शुरू होगा स्मॉल लेटर से। क्लियर है? आइए चलो जी अब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और ये सारे के सारे जितने भी रूल्स लिखाए गए और पैटर्न लिखाए गए उन्हीं पैटर्न को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उन एग्जांपल्स के बीच। तो शुरू करते हैं सबसे पहली एग्जांपल डिस्कस करना सी आर, दोबारा से लिखते हैं सी आर क्रोमियम है, ठीक है, और साथ में आप डालिए वाटर एज अ लिगेंड और आपका काउंटर आयन है क्लोरीन, ठीक है, Cl3। जरा सबसे पहले आपको जानना है ये आपका कंप्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है, तो आपको क्या लगता है जरा बताएंगे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर को अच्छे से डिस्कस किया, काउंटर आइंस वाले लेक्चर को पढ़ा, उनको तो बड़े आराम से क्लियर हो चुका होगा कि अगर Cl3 काउंटर आइन डाले हैं, काउंटर आइन राइट साइड में है, तो जब काउंटर आइन राइट साइड में होते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा कंप्लेक्स कैटायनिक होता है। अगर तीन नेगेटिव चार्ज वाले काउंटर आयन डाले हैं तो इसका मतलब तीन पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे क्रोमियम के ऊपर, सॉरी कंप्लेक्स आयन के ऊपर। क्लियर है? तीन पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हमारा कंप्लेक्स कौन सा कंप्लेक्स है? कैटायनिक कंप्लेक्स है। तो कैटायनिक कंप्लेक्स के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कैटायनिक कंप्लेक्स के लिए सबसे पहले नाम लिखेंगे क्या? इसका नाम देना है ना हमें, इसका नाम देना है। तो कैटायनिक कंप्लेक्स के लिए सबसे पहले नाम देना है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है क्या है? 6। 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, HEXA, हेक्सा। हेक्सा का एच शुरू हुआ स्मॉल लेटर से, तो लिखा ना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वन वर्ड, वो भी बताएंगे वन वर्ड में, ठीक है, एंड ऑलवेज बिगन विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, कैटायनिक कंप्लेक्स है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिगेंड्स के बारे में लिखना है, हमें लिगेंड्स के बारे में लिखना है। तो जरा आप बता सकते हैं H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड के लिए हमने H2O का क्या नाम दिया था? H2O का नाम जरा खुद बताइए, H2O का नाम क्या है? H2O का नाम हमने लिखा था एक्वा, AQUA, एक्वा। हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में, टाइप्स ऑफ लिगेंड में, कि H2O को हम क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। तो हेक्सा एक्वा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, लिगेंड्स का नाम भी दे दिया। लिगेंड्स के बाद हमें किसका नाम देना है? लिगेंड्स के बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना है। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्रोमियम। सेंट्रल मेटल एटम है Cr, क्रोमियम। अगर आपका कंप्लेक्स क्या होगा? कैटायनिक होगा, तो तब आप क्रोमियम लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कंप्लेक्स एनायनिक होगा, मतलब या ये देख लीजिए, अगर आपके काउंटर आयन पहले लिखे जाएंगे तब आप क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखेंगे, क्योंकि एट पे खत्म होता है। लेकिन अगर आपके काउंटर आयन लास्ट पे लिखे जाएंगे तब आपने क्रोमियम का क्रोमियम लिखना है। वो एग्जांपल भी डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, लिगेंड्स का नाम लिखा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्रोमियम है। तो हमने लिखना है क्रोमियम, सेंट्रल मेटल एटम हमारा है क्रोमियम। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या कहता है जी? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपको सेंट्रल मेटल एटम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे जरा वो देख लीजिए। अभी मैंने कहा कि यहां अगर तीन क्लोरीन डाले हैं काउंटर आयन, इसका मतलब कंप्लेक्स आयन के ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ? ये पूरे कंप्लेक्स के ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज है। वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब जो ओवरऑल चार्ज कंप्लेक्स के ऊपर है वो किसकी वजह से है? क्रोमियम की वजह से है। और कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिखनी है रोमन में, किसमें? रोमन में 3। ना ही वहां पॉजिटिव लिखना, ना ही वहां नेगेटिव लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस रोमन में लिखना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। लास्ट पे हमें क्या लिखना है? काउंटर आयन। और काउंटर आयन यहां क्या है? क्लोराइड, ठीक है, Cl, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो काउंटर आयन का नाम लिख लीजिए क्लोराइड। दिस इज आवर नेम फॉर आईयूपीएसी नेम फॉर दैट वेरी कंपाउंड। क्लियर है? एक ही
लेटर में एक ही वर्ड में लिखा हमने कंप्लीट आईयूपीएसी नाम, वन वर्ड में लिखा, वन वर्ड में लिखा, स्टार्ट हुआ स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इस पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं यहां पे, बिकॉज अगर हमारा लिगेंट नेगेटिव होता तो हम ओ लगाते, यहां हमारा लिगेंट न्यूट्रल है तो हमने ओ नहीं लगाया, बात खत्म। विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंट का नाम पहले देंगे उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम देंगे। खुद सोचिए, पहले एक्वा लिखा फिर क्रोमियम लिखा ना, पहले लिगेंट का नाम लिखा फिर क्रोमियम का नाम लिखा, पहले लिगेंट लिखा फिर क्रोमियम लिखा। इसका मतलब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंट का नाम देते हैं फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम देते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इफ कॉन्ट्राइन इज रिटन फर्स्ट, हमें तो कॉन्ट्राइन लास्ट पे लिखा है क्लोराइड, तो ये वाला पॉइंट भी अभी क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे क्लियर हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट अभी आधा क्लियर हुआ है, थोड़ा और डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट को भी क्लियर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट हमने अभी दोबारा से देखना है, ये वाला पॉइंट हमें दोबारा से देखना है। अब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है और ये वाला पॉइंट हम दोबारा से देखेंगे। बाकी हमारे दो पॉइंट अभी तक क्लियर हो चुके हैं इस एग्जांपल से। आपको क्लियर है यहां तक? चलिए आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को हम यहां पे लेके आते हैं और उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल है CO, ठीक है, जरा देखिए, ठीक है, CONH3 फाइव टाइम और साथ में BR और साथ में आप लगा दीजिए SO4, ठीक है, SO4। और कहा गया कि इसका आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दीजिए। सबसे पहले सोचिए कि ये SO4 है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, पढ़ चुके हैं आप कहीं ना कहीं, तो अगर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज तो डेफिनेटली हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? मोर ओवर हमारा काउंटर आयन राइट साइड में है तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक होगा, ये भी हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन की इमेज बिना काउंटर आयन के, हमें नाम देना है इसका। अगर आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले नाम किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो सबसे पहले नाम दीजिए आप किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को। लेकिन जानने से पहले एक बार देख लीजिए आपके पास लिगेंड क्या एक है या दो है अलग अलग तरह के, तो देखेंगे जी लिगेंड हमारे पास, यहां देखिए लिगेंड हमारे पास एक NH3 है एक BR है, मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि हेटीरोलिप्टिक है, हेटीरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटीरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें अलग अलग तरह के लिगेंड अटैच हो हमारे सेंट्रल एटम के साथ। तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में एक NH3 है और NH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, जरा आपको पता है NH3 के लिए मैंने लिगेंड्स वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, NH3 के लिए हम लिखते हैं क्या, जरा बता दीजिए, NH3 के लिए लिखते हैं अमीन, ठीक है। और BR के लिए हम क्या लिखते हैं, BR के लिए लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है, मैंने लिखाया है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, ठीक है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको लिखाई थी नेगेटिव लिगेंड में, मोनोडेंडेट लिगेंड में, नेगेटिव लिगेंड में मैंने लिखाई थी, ठीक है। तो पहले A आएगा या पहले B आएगा, तो पहले तो A आएगा, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें किसका नाम देना है, अमीन का नाम देना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए किसका, अमीन का, तो अमीन कितने हैं, 5 हैं, तो P स्मॉल लेटर से लिखेंगे पेंटा, पेंटा 5 के लिए पेंटा, ठीक है। और अमीन कितने हैं, अमीन 5 हैं, तो लिखना है पेंटा अमीन, पेंटा अमीन लिख दिया। अच्छा, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड था, न्यूट्रल लिगेंड के लिए NH3 अमीन है। अब BR के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं BR नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारी की सारी मैंने मोनोडेंडेट लिगेंड में नेगेटिव लिगेंड में एग्जांपल लिखाई थी, तो BR के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कोई भी नेगेटिव चार्ज वो एंड होता है किस पे, O पे, मैंने लिखा ऑल द एनायनिक लिगेंड मस्ट बी एंड विद O, तो दैट इज वाई हम ब्रोमीन की जगह क्या लिखेंगे, BR ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की जगह क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, तो हम लिखेंगे यहां पेंटा अमीन के बाद ब्रोमो, पेंटा अमीन ब्रोमो। इस टाइम तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड्स के नाम लिख लिए हैं, अब हमें लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो ये भी हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है, को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम 8 पे खत्म नहीं होता,
वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 भी खत्म होता है। यहां भी ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं होने वाला है फिर, तो इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, सीओ कोबाल्ट होता है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखेंगे, पेंटा अमीन ब्रोमो कोबाल्ट। अब हमें देखना है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अभी मैंने कहा अगर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो कंप्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर कंप्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो जरा खुद सोचिए, अमोनिया की वजह से तो कोई चार्ज नहीं है बिकॉज अमोनिया हमारा न्यूट्रल लीगेंट है, तो एक ब्रोमीन की वजह से कितना चार्ज है, -1। देखिए खुद सोचो, एक ब्रोमीन के पास -1 चार्ज, ओवरऑल बच गया कितना, +2। ठीक है, तो कोबाल्ट के पास कितना होगा जरा वो बता सकते हैं आप, कोबाल्ट के पास कितना होगा जरा वो बता सकते हैं, कोबाल्ट के पास होगा 1+2+3+। 1+ से 1- खत्म हुआ, कितने प्लस बच गए, 2+, वही 2+ को इस कंप्लेक्स आयन के ऊपर है, वही 2+। अगर ऐसा भी क्लियर नहीं होता तो ये देख लीजिए, कोबाल्ट की निकालनी है तो एक्स लिखेंगे। अच्छा जी, अमोनिया है, अमोनिया 5 है और हर अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। उसके बाद ब्रोमीन की -1 है, तो ब्रोमीन की -1, आगे ओवरऑल हमारे प्लस पास क्या है, +2 है। क्लियर है? अच्छा, यहां से आप देख लीजिए, यहां से आप निकालेंगे एक्स -1 = +2। ठीक है, अच्छा x = +2, -1 आगे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई, +3 निकल के आई। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आपको सिखाया हुआ है, कोई बात बड़ी है नहीं है। शॉर्टकट मेथड भी देखिए, शॉर्टकट मेथड से ओवरऑल बचा जी +2, ब्रोमीन के ऊपर -1 है तो कोबाल्ट के ऊपर +3 होगा, +3 से 1+ ने -1 को खत्म किया तो ओवरऑल तभी +2 बचा, ओवरऑल बचा 2, ओवरऑल उसके पास 2 चॉकलेट बचे हैं। ठीक है, एक चॉकलेट खाने के लिए ब्रोमीन था, मतलब 3 चॉकलेट थे, एक ब्रोमीन ने चॉकलेट खा लिया तभी 2 चॉकलेट बचे हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है, 3, और 3 हमने रोमन में और ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर है? उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमें लिखना होता है कॉन्टराइन, तो कॉन्टराइन हमारा क्या है, SO4, और SO4 के लिए हम कॉन्टराइन क्या यूज करते हैं, सल्फेट, तो हम लिखेंगे सल्फेट, पेंटा अमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो ये हुआ हमारा सेकंड नेम, हमारे नोमेनक्लेचर कैसे हम देते हैं, ये हमने नाम दिया। ठीक है, आइए अब जरा हम देखते हैं किसी एनायनिक कंप्लेक्स की एग्जांपल को लेके। तो एनायनिक कंप्लेक्स में सबसे पहले जो आपको एग्जांपल लिखनी है, जरा देखिए, मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं एनायनिक कंप्लेक्स की, Na2ZN, यहां पे मैं CN लगा देता हूं 4 टाइम, और यह है हमारा एनायनिक कंप्लेक्स। आपको कैसे पता चला एनायनिक कंप्लेक्स है, जरा खुद सोचिए, अगर 2 सोडियम मैंने इस तरफ डाले हैं लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने डाला है, अगर मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज डाला है तो इसका मतलब हमारे कंप्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यह हो गया ना हमारा एनायनिक कंप्लेक्स। क्लियर है, हमारा एनायनिक कंप्लेक्स हो गया। अब जरा सोचिए, एनायनिक कंप्लेक्स है हमारा तो इसका नाम कैसे देंगे, सबसे पहले आप खुद सोचेंगे इसका नाम देने में सबसे पहले हमने किसका नाम देना है, कॉन्टराइन का नाम देना है। तो कॉन्टराइन हमारा क्या है, कॉन्टराइन हमारा है सोडियम, तो सोडियम का एस छोटा, सोडियम नाम दिया। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, सोडियम के बाद लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा के बाद हम लीगेंट्स देखेंगे, लीगेंट्स क्या है हमारे CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, CN नेगेटिव चार्ज लीगेंट है, CN के लिए साइनाइड होता था लेकिन नेगेटिव चार्ज लीगेंट है तो O लगाना पड़ेगा, तो टेट्रा के बाद साइनो, सोडियम टेट्रा साइनो। क्लियर है, लीगेंट के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम देते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम का तो नाम देंगे, सेंट्रल मेटल एटम जिंक है, लेकिन जब भी आपका काउंटर आयन पहले लिखते हैं, इफ काउंटर आयन इज रिटन फर्स्ट, लिख दिया ना काउंटर आयन पहले सोडियम, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड विद सुफिक्स 8, तब हम वहां पे जो नाम होगा सेंट्रल मेटल एटम का उसके लास्ट पे 8 लिखेंगे। था इसका नाम जिंक, लेकिन ये हमारा एनायनिक कंप्लेक्स है, मतलब इस केस में कॉन्ट्राइन पहले लिख दिया, तो इसका नाम जिंक से
एट लगा देंगे साथ में तो नाम बनेगा जिंकेट, जिंकेट, जिंक से नाम एट लगा दिया साथ में, जेड आई एन सी जिंक एट लगा दिए साथ में तो जिंकेट नाम बन गया जिंकेट। याद रखिए छोटी सी बात लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम काउंटर आयन का नाम पहले देंगे तब हमारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ हमने एट लगाना है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एट लगाना। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जरा देखिए कंप्लेक्स आयन की पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, खुद सोचिए, अगर अगर टू नेगेटिव चार्ज है हमारे कंप्लेक्स के ऊपर, हम जानते हैं कि एक साइनाइड के ऊपर माइनस वन, दो के ऊपर माइनस टू, तीन के ऊपर माइनस थ्री, चार के ऊपर माइनस फोर चार्ज हो गया, माइनस फोर चार्ज से माइनस टू बचा, चार चॉकलेट से दो चॉकलेट बचे, कितने चॉकलेट खत्म हो गए, दो चॉकलेट, उन्हीं दो चॉकलेट को खत्म करने के लिए दो कुछ इंसान आए होंगे प्लस वाले, ये दो प्लस वाले ये दो माइनस को खत्म कर देंगे तभी दो माइनस बचेगा, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, टू होगी। तो ये हुआ नाम सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट। मैंने लास्ट एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस की थी, वो जरा वो बता सकते हैं, उसका नाम हमने लिखा था, याद कीजिए, पेंटा अमीन, अगर यही लिखा था पेंटा अमीन ब्रोमो, उसके बाद मैंने बोला था कोबाल्ट, और उसके बाद मैंने बोला थर्ड, उसके बाद मैंने बोला था सल्फेट, यही था पेंटा अमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। ये सल्फेट क्या था हमारा, SO4 2 नेगेटिव, यही था, मतलब नेगेटिव चार्ज था, और ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लेक्स था ना, और कंप्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव, क्लियर है, कंप्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कंप्लेक्स था जिसे हम कैटायनिक कंप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, कैटायनिक कंप्लेक्स बोलते हैं, कैटायनिक कंप्लेक्स, और फिर ये SO4 2 नेगेटिव था, ठीक है। अभी देखिए अभी के एग्जांपल में ये सोडियम क्या है, सोडियम हमारा है पॉजिटिव चार्ज वाला, सोडियम पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन है ना, और ये टेट्रासाइनो जिंकेट क्या है कि नेगेटिव चार्ज वाला कंप्लेक्स आयन है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज वाला कंप्लेक्स आयन, इसे नेगेटिव कैटायनिक कंप्लेक्स, ठीक है, कैटायनिक। दोनों एग्जांपल में आप देखिए, दोनों एग्जांपल में आप देखिए, पहली एग्जांपल उठा के देख लीजिए, कैटायनिक पार्ट पहले लिखा फिर एनायनिक पार्ट लिखा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, अभी कैटायनिक पार्ट पहले लिखा फिर एनायनिक लिखा, चाहे वो कैटायनिक पार्ट कंप्लेक्स हो चाहे वो कैटायनिक पार्ट सिंपल काउंटर आयन हो, तो नाम देखिए, कैटायनिक पार्ट वेदर सिंपल आर कंप्लेक्स रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायनिक, क्लियर हो चुका होगा आपको ये पॉइंट। आपको चाहे काउंटर आयन हो चाहे वो कंप्लेक्स आयन हो, होगा कैटायनिक पहले फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, एनायनिक लिखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने दो तीन एग्जांपल से ही क्लियर करवा दिए हैं आपको। अब मैं जल्दी से कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और उन एग्जांपल्स को आप भी सॉल्व करेंगे पॉज करके वीडियो, और मैं भी आपके साथ साथ उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स क्या है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने मेंशन करी हुई हैं, तो जरा देखते हैं इनके नाम क्या है। सबसे पहले जानना है एक सेकंड में कि कौन सा कंप्लेक्स कैटायनिक है कौन सा कंप्लेक्स एनायनिक है, वो चीज जानिए सबसे पहले आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कंप्लेक्स काउंटर आयन इस तरफ लिखा हुआ, तो डेफिनेटली आपका कंप्लेक्स कौन सा होने वाला है, एनायनिक कंप्लेक्स होने वाला है। एनायनिक कंप्लेक्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, काउंटर आयन लिखते हैं, तो हमारा पोटेशियम है, सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम का पी छोटा, हमें लिखा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद हमें लिखना है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दो, तो लिखेंगे डाई। अब सीएन नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, तो नेगेटिव चार्ज लिखने के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, पोटेशियम डाई साइनो, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं एजी का नाम, एजी हमारा सिल्वर है लेकिन ये हमारा नेगेटिव चार्ज एनायनिक लिगेंड है, तो सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं, मोर ओवर सिल्वर के लिए एट लिखेंगे, तो हम लिखते हैं एट, तो लिखेंगे सिल्वरेट, ठीक है, सिल्वरेट, ठीक है, लिख लिया, सिल्वर के लिए हमने एट लिख दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, खुद सोचिए, अगर यहां एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है तो कंप्लेक्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज कंप्लेक्स के ऊपर है, एक साइनाइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दो साइनाइड के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज से एक नेगेटिव चार्ज बचा है, दो नेगेटिव चार्ज से एक नेगेटिव चार्ज बच गया है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ने एक नेगेटिव चार्ज को खत्म किया तभी एक बचा, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वन होगी, पोटेशियम डाइसाइनो सिल्वरेट फर्स्ट, इसका नाम,
क्लियर है। अब चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ। तो ये आपकी एग्जांपल है जिसमें कोई भी कॉन्ट्राइन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सोचिए जरा, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, दूसरे के ऊपर -1, तीसरे के ऊपर -1, क्लोरीन तीन है, तीन क्लोरीन के ऊपर -3 चार्ज है, अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो एक कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा? एक कोबाल्ट के ऊपर +1 +1 +1 मतलब +3 होगा। इन्हीं +3 ने इन्हीं -3 को खत्म किया, तभी ऊपर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर हो चुकी है। अब जरा नाम देते हैं यहां पे, तो नाम दे दिए, कॉन्ट्राइन है नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कॉन्ट्राइन लिखना ही नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अमीन होता है या क्लोरो होता है, सबसे पहले तो अमीन होता है, तो अमीन में लिखना है ऑक्सीडेशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राई अमीन, तो लिखेंगे ट्राई अमीन। उसके बाद क्लोरो, क्लोरो क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, ओ पे खत्म होगा, ट्राई अमीन क्लोरो कोबाल्ट, ट्राई अमीन क्लोरो कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या निकाली? 3 निकाली, ट्राई अमीन क्लोरो कोबाल्ट 3। अब जरा यहां चलिए, हम जानते हैं कि एक NO2 के ऊपर -1 चार्ज, एक NO2 के ऊपर -1, दूसरे के ऊपर -1, तीसरे के ऊपर -1, तीन NO2 के ऊपर 3 माइनस चार्ज है, ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है, इन तीन माइनस को खत्म करने के लिए कोबाल्ट के ऊपर क्या होगा? 3 प्लस होगा, ठीक है। तो नाम दीजिए, पहले नाइट्रो या पहले अमीन? पहले तो अमीन होगा, तो हम नाम देंगे ट्राई अमीन। देखिए तीन अमीन है तो नाम दिया हमने ट्राई अमीन, और कितने नाइट्रो हैं? 3 नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो, और साथ में हम लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3। क्लियर हुआ नाम? जरा ये देखिए ये भी हमारा ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे साइनो कितने हैं? ये कार्बोनाइल कितने हैं? 4। और हम जानते हैं कि हमारे कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका मतलब ना ही चार्ज इसकी वजह से ना ही चार्ज, ये सारे के सारे जीरो में है, ओवरऑल जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो होगा, जीरो 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 ऊपर जीरो, अगर यहां प्लस आ जाए तो वही प्लस यहां आ जाएगा, माइनस आ जाए तो वही माइनस यहां चला जाएगा, इसका मतलब ये भी जीरो है, यहां निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाम क्या होगा जरा खुद बता दीजिए, एक ही लिगेंड है तो नाम कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले नाम लिखेंगे टेट्रा, सीओ के लिए मैंने आपको नाम लिखाया था, अगर आपको याद हो सीओ के लिए मैंने कहा था कार्बोनाइल, तो नाम होगा टेट्रा कार्बोनाइल, साथ में आपको निकल लिखना है, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लियर है। जरा यहां चलिए, ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है आप खुद देखिए, कॉन्ट्राइन राइट साइड में है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो कॉन्ट्राइन नेगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो 3 पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, वो 3 का 3 पॉजिटिव चार्ज हमारा किसकी वजह से है? कोबाल्ट की वजह से, इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पे? 3। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में हमें लिखना हो कॉन्ट्राइन सबसे लास्ट पे लिखना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? हेक्सा, हेक्सा के बाद अमीन है तो अमीन लिखेंगे, लिगेंड का नाम हेक्सा अमीन, उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 3, और उसके बाद क्लोराइड, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अच्छा ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज वाला कॉन्ट्राइन है, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, ठीक है। अब जरा देखिए एक पॉजिटिव चार्ज बच गया है, ओवरऑल इसमें लिगेंड का चार्ज कितना? NO2 के ऊपर -1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, मोनोडेंडेट लिगेंड है तभी -1 है, यहां 0, ठीक है। लिगेंड में -2 चार्ज था, -2 से +1 रहा, खुद सोचिए -2 है मतलब 1 -2 -, तो यहां कितना प्लस होगा? 1 + 2 + 3 होगा, ये 1 ने ये 2 ने 2 को किया खत्म, 2 ने 2 को खत्म किया, कितना प्लस बचा? 1 वही 1 यहां पे है, क्लियर है आपको? जरा खुद देखिए, ये आराम से देखिए, आराम से निकालिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। एक NO2 के ऊपर -1 है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 है, ठीक है। कहां से पता चला? बिकॉज क्लोरीन -1 वाला अटैच है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 होगा, 2 - 1 बचता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा? +3 होगा, ये +1
प्लस वन ने माइनस वन को खत्म किया, एक प्लस वन बचा, वही प्लस वन हमारा वहां पे है। तो ये एग्जांपल क्लियर कीजिए और इसका नाम देखिए, नाम क्या होगा जरा खुद बताइए, नाम क्या है, नाम क्या हो सकता है जरा देखिए, खुद सोचिए। हमारा अमीन है, हमारा नाइट्रो है, हमारा क्लोरो है, तो पहले क्या होगा, अमीन होगा, तो नाम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, फिर क्लोरो या नाइट्रो, फिर क्लोरो होता है, क्लोरो नेगेटिव चार्ज वाला तो ओ पे खत्म हो रहा है, फिर नाइट्रो नेगेटिव चार्ज वाला तो ओ पे खत्म हो रहा है, क्लोरो नाइट्रो। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालती है, थ्री, और साथ में आप लिखेंगे क्लोराइड, कोबाल्ट थ्री क्लोराइड। इस तरीके से यहां नाम दीजिए। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स आयन है, तभी पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन अटैच हुए, ठीक है, तो नाम क्या होगा, अगर K2 पॉजिटिव अटैच हुआ है तो डेफिनेटली -2 चार्ज होगा हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तभी -2 को खत्म करने के लिए +2 पोटेशियम ऐड किया है, ठीक है। N3 क्या होता है, मैंने आपको लिखाया है अजाइडो, अजाइडो, एक N3 के ऊपर -1, चार N3 हैं, तो चार N3 के ऊपर -4 चार्ज होगा, -4 से -2 बचा, कितना माइनस चला गया, -2 चला गया, इसका मतलब -2 को ले जाने में +2 का हाथ है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो जरा खुद बताइए इसका नाम क्या हो सकता है, सबसे पहले कॉन्ट्राइन लिखेंगे यहां पे, इस केस में सबसे पहले कॉन्ट्राइन लिखते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्ट्राइन, कॉन्ट्राइन हमारा पोटेशियम है, तो पोटेशियम का पी छोटा, तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम के बाद लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा के बाद अजाइडो, नेगेटिव चार्ज वाला है तो ओ, अजाइड होता है इसका नाम, लेकिन अजाइडो क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला है तो ओ पे खत्म होगा, अजाइडो। हमारा कोबाल्ट है, अब ये कॉन्ट्राइन पहले लिख रहे हैं, तो कोबाल्ट कहां खत्म होगा, 8 पे, तो हम लिखेंगे कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली, अभी 2 निकाली, ठीक है। तो ये इसका नाम हुआ पोटेशियम टेट्राजाइडो कोबाल्टेट। अब जरा इसका नाम देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेशियम ऐड किया है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज होगा, क्लियर है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज है। जरा खुद सोचिए यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे इसकी EDTA की, ठीक है। अब EDTA मैंने आपको लिखाया था, वो क्या था, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। तो जरा खुद बताइए कि EDTA, ये आपको होमवर्क है, इसका नाम आप दे दीजिए, मैंने आपको आराम से इसका EDTA का नाम लिखाया हुआ, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। तो जरा खुद सोचिए कि अगर इसके ऊपर -1 चार्ज है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बता वो देखिए, EDTA के ऊपर चार्ज क्या होता है जरा वो देखिए, मैं आपको खुद बता देता हूं, चलो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता देता हूं, यहां पे 3 आने वाली है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। जरा निकालिए और इसका नाम दे दीजिए, यहां हम कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट लिखेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज हमारा यहां पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्राइन सबसे पहले लिख रहा है, तो हम पोटेशियम, उसके बाद लिखेंगे इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, उसके बाद कोबाल्टेट थर्ड, और ये सारा हमारा इसका नाम बनेगा। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इस चीज का कमेंट करके बताइए कि इसका नाम क्या होगा, तो क्लियर होगा मुझे तब क्या आपको अच्छे से समझ आई है। तो ये हमारा कंप्लीट IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स को मैंने टच किया है। फिर भी कोई एग्जांपल्स आपको नहीं क्लियर है या कोई एग्जांपल्स आपकी बुक में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मोर ओवर NCERT को ओपन कीजिए, वहां से एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।